हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डायल पैड ट्यून्स को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे उसको ऑन कर सकते हैं, उसको बताने वाला हूँ और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये नोकिया का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। तो क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा। आपको इसके ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही और ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है क्योंकि वो और सभी सेटिंग्स आपको दिखाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है डायल पैड ट्यून्स। तो यहाँ से हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करते ही ये काम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अपने डायल पैड पर जाएंगे। डायल पैड पर जाते ही आपको कोई भी नंबर डायल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो साउंड आ रही है, इस साउंड को हम इनेबल कर सकते हैं। वहाँ से उसको ऑन करके साउंड को, डायल पैड साउंड को इनेबल करके यहाँ से साउंड पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए साउंड आ रही है। तो इस प्रकार से ये यूज़ होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।